रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं मालिक कायनात के फ़ज़लो करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हूं, और जनाब आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद, उनकी विलादत का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। हम अपने बच्चों की तो सालगिरह बहुत खुशी से मनाते हैं, तो हम आले रसूल की जो बच्चे हैं, जनाबे रसूल खुदा की जब सालगिरह आती है और जब आले रसूल में जितने भी उनके बच्चे हैं उनकी सालगिरह आती हैं, तो हम तमाम उम्मतियों के यहाँ और अहले सादात के यहाँ ईद से कम वो दिन नहीं होता। तो मैं जा रही हूँ मिलाद में, और क्योंकि मिलाद हमें वहाँ पढ़ना भी है और हम स्पेशली मधु हैं वहाँ पे, तो मेरे पास जो है शाम से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और पूरी दुनिया से मेरे जो चाहने वाले हैं आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और आप लोगों का यही जानना है, यही परेशानी का वजह है कि भाई वो जो यहाँ का सो कॉल्ड कोर्ट रिपोर्टर है, जिसे मारिया अली बड़ा प्यारे नाम से याद रखती है, मैं तो खैर वो नाम नहीं लूँगी, उसने पहले भी ये गलत ख़बर आप तक पहुँचाई थी, और उसको पता नहीं मुझसे क्या जलन और हसद है कि मैंने सुना है कि किसी ने कोई व्लॉग बनाया और उसमें बताया कि उसने मेरे पर कोई मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो और भी इससे ज़्यादा बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है कि ये लोग पता नहीं हमारे लिए मज़ीद क्या क्या करेंगे। तो हमें, मैं ना कल डरी थी ना आज डरी हूँ ना आइंदा डरूंगी, इनको जो करना है कर लें, और हमने कल भी फेस किया था आज भी फेस करेंगे। तो आप लोगों को भी परेशान होने की, डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों की बस मुझे दुआएँ चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं देखती हूँ इस केस को, मुंह देंगे, कोई मसला नहीं है। और अभी आप जो है ना इंजॉय कीजिए जनाबे फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की विलादत का जश्न। हमारे घर में तो खुशियाँ हैं, हमारे घर में तो बीबी की ज़हूर का जश्न मनाया जा रहा है, उनके घर में मरण है। आप मेरी तैयारी देखें, देखें मैं कितनी अच्छी सी तैयार होकर मिलाद में जा रही हूँ, और ना मुझे परेशानी है ना कुछ है, ये देखें। और हम तो जा रहे हैं जनाबे रसूल खुदा को हदिया तहनियत पेश करने, उनकी बच्ची की, उनकी इकलौती बेटी की विलादत की खुशियाँ मनाने, उनको मुबारकबाद देने। तो आप लोगों को डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपकी बहन जो है ना, अगर आपने नाम दिया है शेरनी, तो बिल्कुल शेरनी है, ये टुच्चे लुच्चे लफंगे नामर्द, इनको एक औरत से अपनी जान का ख़तरा है। अगर ये वाकई मर्द का बच्चा होता, अपने बाप की औलाद होता, तो किसी मर्द से पंगा लेता। अच्छा किया इसने मुझसे पंगा लिया है। तो बहरहाल यही कहूँगी कि आपको परेशान नहीं होना है, आप जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए थे इसी तरह से जुड़े रहिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। और इस जब तक इस गैंग को, इस कल्पट को, जहीर को, जो एक मासूम बच्ची को घर से वरगला के बहका के लेके गया, इसको हम सज़ा नहीं दिलवाएंगे। आखिरी सांस तक मेहदी कादरी के साथ खड़े और आखिरी सांस तक उसके साथ हम फाइट करेंगे। तो जनाब, हमारा कल भी ये अज़्म था, हमारा आज भी ये अज़्म है। ये जो गलियों में आवारा कुत्ते होते हैं, इनको जो भौंकना है भौंकते रहें, ये जो कर सकते हैं करें। आपकी बहन ना कल किसी से डरी थी ना आज डरी है। अपना, अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इस बहन के हाथों को मजबूत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।